Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com jahan par aap step by steps AutoCAD 2013 urdu zuban mein seekh rahe hain. Dear students, aaj basically hamara pehla lesson hai AutoCAD ka. To is lesson ke andar main aapko ye bataunga hum AutoCAD ko jab open karte hain first time उसमें हमें जो चीजें नजर आती हैं वो क्या-क्या हैं कौन-कौन सी विंडोज हैं और वो क्या काम अप्लाई कर हमें दे देती हैं तो डियर स्टूडेंट्स आज का लेसन स्टार्ट करते हैं जब हम अपने पास AutoCAD 2013 को इंस्टॉल कर देते हैं हमारे पास डेस्कटॉप पे इसके ये दो आइकंस बने हुए आ जाते हैं ठीक है अब ये जो पहला वाला है ये आपके पास AutoCAD 2013 को शो कर रहा है आपने करना क्या है इसके ऊपर जाएं एक राइट क्लिक करें और इसको ओपन पे क्लिक कर डालें नहीं तो आप इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दें नहीं तो आप स्टार्ट के अंदर जाएं आप ऑल प्रोग्राम पे चले जाएं ऑटोडेस्क पे चले जाएं अगर आपने पहले से भी AutoCAD को इंस्टॉल किया जैसे हमारा पुराना वर्जन था तो वो भी आपके पास मौजूद ही होगा तो मैं इसको जो नया है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे 2013 के ऊपर तो आपका AutoCAD ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा ठीक है डियर स्टूडेंट्स तो आप यहां पर आएं AutoCAD के ऊपर डबल क्लिक कर दें जैसे मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो मेरा AutoCAD मेरे सामने ओपन हो गया मेरे सामने अभी आ रहा है तो डियर स्टूडेंट्स xpacademy.com की तरफ से आपके लिए फिर AutoCAD 2013 को शुरू किया जा रहा है तो जैसे आप उसको फर्स्ट टाइम ओपन कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहली जो विंडो आती है वो होती है वेलकम ये हमारे पास वेलकम स्क्रीन है अब इस वेलकम विंडो के अंदर क्या-क्या चीजें हैं सबसे पहले हमें यह समझना होगी पहले लेसंस के अंदर फिर हम आगे निकलते हैं अब वेलकम के अंदर जो चीजें आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं वो क्या है सबसे पहले है वर्किंग एरिया है फिर लर्निंग एरिया है और फिर एक्सटेंडेड एरिया है अब बेसिकली यहां पे तीन कॉलम्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं अब इन तीन कॉलम्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं सबसे पहले जो वर्किंग है मींस यहां पे जो आपने ऑलरेडी अगर कोई न्यू फाइल लेनी है या ओपन करना है या आपने सिंपल से कोई फाइल उठानी है तो आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा वो फाइल्स ओपन होकर सामने आ जाएगी उसके अलावा रीसेंट फाइल्स होती हैं अगर आपने लास्ट कुछ फाइलों के ऊपर कुछ काम किया हुआ है वो आपको इधर ये शो होती जाएंगी जैसे अभी तक मैंने एक ही है वो क्या है xpacademy.com की फाइल है उसके बाद इधर आ जाए लर्निंग एरिया आ जाता है अब लर्निंग एरिया में क्या है सबसे पहले आपको बताता है कि AutoCAD 2013 के अंदर क्या चीज लर्निंग में आई हुई है क्या चीज नहीं है आप इधर क्लिक करेंगे आपके पास वीडियोस ओपन हो जाएंगी गेटिंग स्टार्ट में भी क्या है आपके पास مختلف वीडियोस हैं और आप अपने आप को जैसे ड्रैग करें नीचे देखिए مختلف वीडियोस ओपन होकर आपके सामने आ रही है इनमें से आप किसी भी वीडियो को अगर देखना चाह रहे हैं तो जस्ट आपको उस वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है आप क्लिक करेंगे इस चीज के लिए आपके पास नेट का होना जरूरी है क्योंकि ये जो कुछ भी वीडियोस हैं जो कुछ भी है ये आपको डायरेक्टली इंटरनेट से आपको इसकी आवाज कम कर देता हूं तो ये आपको डायरेक्टली इंटरनेट से आपको ये प्ले कर आपको ये दिखाई दे रहा है और इसमें क्या होगा आपको ये बता देंगे कि AutoCAD 2013 के अंदर क्या-क्या चीजें नहीं थी या समथिंग लाइक दिस जो भी इसके अंदर आपको हेल्प चाहिए होगी ये आपको बताता जाएगा ठीक है और ये वीडियोस टाइम के साथ-साथ अपडेट होती रहती हैं उसके बाद नीचे आ जाएं आपके पास कुछ ट्रेनिंग्स एकेडमीज आ जाती हैं यानी कि आपके पास कुछ सोर्स पॉइंट आ जाते हैं जहां से आप مزید ट्रेनिंग ले सकते हैं जैसे एक नाम सुना सुनाया है lita.com आपके पास इसके अंदर लिंक बना हुआ आ जाएगा उधर क्लिक करेंगे तो आपको ये 30 दिन का ट्रायल देगा फ्री इसी तरह से आपके पास ऑटोडेस्क आ जाता है यहां पे आपके पास ट्रेनिंग जो रिसोर्सेज हैं वो भी है और इसके साथ-साथ xpacademy.com भी आपको यही लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है उसके बाद इस तरफ आ जाए एक्सटेंडेड एरिया अब यहां पे क्या है सबसे पहले एक्सचेंज एप्स अब यहां पे क्या है डियर स्टूडेंट्स आपके पास कुछ प्लगइन्स हैं जो जैसे-जैसे ऑटोडेस्क वाले प्लगइन्स इशू करते जाएंगे आगे मार्केट में लाते जाएंगे वो आपको यहां पर भी उसके ट्रायल्स वगैरह देते जाएंगे कुछ ट्रायल्स होंगे कुछ फ्री होंगे कुछ परचेस करना होगा अगर आपको مزید ट्रायल्स के ऊपर जाना है जस्ट यहां पे देखें क्या है ब्राउज फॉर एप्स आप जैसे क्लिक कर दें इसे जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास देखें अब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो चुकी है यहां ये बेसिकली बहुत ही एक दिलचस्प चीज है बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने इस वर्जन के अंदर आपको दी है यहां से क्या होता है आप कुछ लेटेस्ट जो प्लगइन्स आप अगर डाउनलोड करना चाहे वो डाउनलोड कर सकते हैं जो फ्री होगा उसके साथ लिखा होगा फ्री है और देखें ये इसके साथ मुकम्मल डिटेल्स भी आ जाएगी ठीक है इस तरह से आपके पास ऑटो वर्ड है या आपके पास ट्रायल है इसी तरह से مختلف चीजें जो आपके पास यहां पर हैं ये प्लगइन्स आपके पास होते हैं ये जरूरी नहीं होते अगर आप यूज करना चाहें तो इन्हें आप इसे डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं मैं इसे बंद कर देता हूं उसके बाद नीचे आ जाएं आपके पास
ऑटोडेस्क वालों ने जो ऑटो कैट वाला जो उसमें आपको एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज दी है 2013 के अंदर, वो क्या है, ऑटोडेस्क 360। अब ये क्या है, ये बेसिकली आपके पास एक ऐसा इन्होंने पॉइंट्स बना दिया है जहां पर आप अपनी ड्राइंग्स को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, यानी कि इन्होंने आपके लिए ऑनलाइन एक स्टोर बना दिया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको साइन इन करना है और अपनी ड्राइंग्स वगैरह बनाकर वहां पर छोड़ दें। इसका ये फायदा होता है, आप जिधर कहीं भी हो, जहां पर भी हो, जस्ट आपको अपने आप को ऑटोडेस्क 360 के पर साइन इन करें और आपकी फाइल आपके सामने होगी। आए मैं आपको दिखाता हूँ, अपना साइन इन करूंगा इसके अंदर और फिर मैं आपको बताऊंगा हमारे पास ये कैसा है। ये बेसिकली वेबसाइट है जिसे आप इधर क्लिक कर देते हैं। मैंने क्लिक किया तो मेरे पास देखें, ये मेरे पास ओपन होकर वेबसाइट आ चुकी है। इसके लिए आपके पास फिर वही बात है, इंटरनेट का होना जरूरी है। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट करें, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इधर आपसे कोई भी कॉस्ट वगैरह नहीं ली जाएगी। जस्ट आपसे ईमेल आपका एक मांगा जाएगा और मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं साइन इन पर चला जाता हूँ। और साइन इन पे जाने के बाद आपको इधर अपना यूजर नेम और यहाँ पे अपना पासवर्ड देना होगा, जो कि मैं अभी यहाँ पर अपना यूजर नेम देने जा रहा हूँ और फिर पासवर्ड दूंगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा मैंने यूजर नेम और पासवर्ड क्या दिया है। बहरहाल मैं अभी देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड इधर एंटर कर दिया है और जैसे मैंने एंटर किया, देखें ये मुझको बता रहा है जी वेलकम, आप देखें मेरे पास मुकम्मल एक स्टोर बना हुआ आ चुका है। यहाँ पे ये मुझको बता रहा है, जो मैंने वहाँ पर अपना नाम रखा था, बता रहा है जी आपका नाम क्या है, नदीम अहमद है, और आप अपनी फाइल को अगर आप अपलोड करना चाहेंगे तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। कोई चीज़ आप शेयर करना चाह रहे हो दाएँ बाएँ, आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप देखना चाह रहे हैं कि कौन सी वीडियोस वगैरह हैं या किस तरह का डेमो है, वो आप इधर क्लिक कर दें। इस तरह से आप नीचे आ जाएं। यहाँ पे अभी तक मैंने जस्ट इसके अंदर एक ही फाइल डाली है xpacademy.com के नाम से, तो उसको अगर आप व्यू करना चाहते हैं जस्ट आप इधर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये व्यू हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में डिटेल से लेसन्स में इंशाल्लाह आगे जाकर लूंगा, ठीक है? तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, लिंक्स होता है जहां पर अपनी आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और किसी से शेयर करना चाहें। और उसके बाद फिर नीचे आ जाएं, आपके पास फिर कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स आ रहे हैं, जिनमें एक तो आपके पास फेसबुक का है और दूसरा किसका है, ट्विटर का है। अगर आप इनके अकाउंट्स में जाना चाहें जस्ट आप क्लिक करेंगे, आपको ये लेकर उधर चला जाएगा। उसके बाद फिर जी स्टूडेंट्स, आप इधर कॉर्नर पे आए, अगर आप ये चाहते हैं नेक्स्ट टाइम आपके पास ये विंडो नजर आपको ना आए, आपको दिखाई ना दे, तो आप क्या करेंगे, ये जो डिस्प्ले है इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है? अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो आप इसको चेक रखें, यानी कि आप ये चाहते हैं हर मरतबा आए मेरे पास ये हो और मैं देखता जाऊं मेरे पास कौन सी एप्स नहीं आई हैं और कौन सी कुछ वीडियोज मेरे पास है या कौन सी ट्रेनिंग कंपनी मेरे पास नहीं आ रही है, तो आप इसको रहने दें, ठीक है? तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं, मैंने जस्ट क्लोज के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये मेरे पास क्लोज स्टूडेंट्स, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया है। लेकिन अब मसला ये है, अगर आप इस टाइम पे, यानी कि आपने उसको क्लोज कर दिया और आप अपने आप ऑटो कैड को भी बंद नहीं करना चाहते हो, क्लोज नहीं करना चाहते हो, आप कहते हो आपके पास फिर वही वेलकम स्क्रीन आ जाए, या आपने उसको नीचे से जो उसका चेक मैंने आपको बताया था उसको आपको अनचेक कर दिया, लेकिन अब आपको अगेन वो चाहिए नेक्स्ट टाइम, तो आप इधर हेल्पर आ जाए, यहाँ पे क्लिक करें इसे, तो ये क्या है, वेलकम स्क्रीन, आप वापस इधर क्लिक कर दें तो देख रही स्टूडेंट्स अगेन आपके पास यही वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है? मसला के तौर पर अगर आपने जैसे इसको चेक कर दिया था और आप चाहते हो वो नजर ना आए, तो डेफिनेटली अब ये नेक्स्ट टाइम तो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप चाहते हो ये आपको दिखाई दे, तो आप इसको चेक करके दोबारा से क्लोज कर दें, ठीक है? मीन्स जब भी आपको इसको दोबारा से लाना हो तो आप हेल्प के आइकन के ऊपर जाएं और वेलकम स्क्रीन के ऊपर आ जाएं, ठीक है? तो ये चीज आपके सामने आ चुकी है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये है मेरा ऑटो कैड का इंटरफेस 2013, या मैं आपको ये कहूँ वेलकम ऑटोकैड 2013 में, ठीक है, या आपको खुशामदीद कही जाती है। अब यहाँ पे कुछ चीजें बताना आपको जरूरी है। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये कमांड विंडो है, अब यहाँ पे आप इसको उठाएं इधर से, इसको आप दाएं बाएं भी मूव कर सकते हैं। अब इसको आप अपनी मर्जी से दाएं बाएं एडजस्टमेंट कर दें। ऑटो कैड ऑटोडेस्क वालों ने आपको बाय डिफॉल्ट इसको बॉटम पे एडजस्टमेंट करके दिया हुआ है, लेकिन फर्ज करें आप इसको बाहर लाते हैं और आपसे गलती से क्लोज हो जाती है, ठीक है? ये डेफिनेटली आपसे पूछेगा तो सही, अब ये क्लोज हो चुकी है, अब क्या होगा, अब आप उसको दोबारा से लाना चाह रहे हैं, ये चीज आपको लाजमी मस्ट मस्ट कंफर्म होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की लगा सकते हैं, Ctrl+9। जैसे अपने कीबोर्ड से आप Ctrl+9 लगाओगे, मैं कंट्रोल को प्रेस करते हुए और 9 प्रेस कर देता हूं, अगेन मेरे पास ये विंडो आ चुकी है यहां पे, ठीक है? आप अगेन इसको उठाएं और जिधर आप रखना चाहते हैं आप रख लें, ठीक है? फेदर लाइन, जब आप इसको बंद कर देते हैं तो ये आपसे पूछता भी है और आपको बता भी देता है कि नेक्स्ट टाइम आपने इसको
कैसे लाना है, ठीक है। फर्स्ट करो, आपने इसको नहीं देखा, आपको देखना याद नहीं रहा, तो आप फिर आपको व्यू में जाना होगा। व्यू में जाने के बाद आपके पास देखें इस जगह पर आ जाए, ये है आपके पास कमांड लाइन, ठीक है। पैटर्न के अंदर आ जाए और ये कमांड लाइन आप अगर क्लिक कर दें तो अगेन ये आ चुकी है, इसको आप उठाकर इसकी एडजस्टमेंट बना लें, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मेरा पहला लेसन। इस पहले लेसन के अंदर जस्ट मैंने जो मेन चीज आपको बतानी थी वो दो थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताना था वेलकम स्क्रीन जो ऑटो कैड के अंदर है, जो कि आपको जिसमें क्या क्या चीजें नहीं है, कैसे आप उन तक अप्रोच कर सकते हो, जिसमें मोस्ट जो पावरफुल जो चीज है या जो मुझे पसंद आई है वो क्या है, इसका स्टोर और इसकी ऑनलाइन हेल्प्स, ठीक है। आप स्टोर में जाएं, अपनी फाइलों को सेव करें। अब इससे मुझे ये फायदा हो गया, मैं जिधर भी हूं जहां पर भी अपनी फाइलों को आसानी से रिकॉल कर सकता हूं स्टोर के थ्रू, ठीक है। जस्ट मुझे उसके लिए नेट की जरूरत होती है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बतानी थी, अक्सर औकात ऐसा होता है हम काम करते हैं और हम इस कमांड लाइन को खो देते हैं। अगर हमें जाहिर सी बात, अगर हम कोई पुराना ऑटो कैड की यूजर है, हमें तो पता चल जाएगा उसको कैसे निकाल कर लाना है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसके ऊपर काम कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत आपको, यानी कि बाज़ुकात मैंने यहां तक देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विंडो की इंस्टॉलेशन द्वारा अपने पास करते हैं, फिर ऑटो कैड को इंस्टॉल करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसका छोटा सा हल है वो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, इसी तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप्स आगे रख लेंगे। मजीद मालूम और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xbacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू में फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xbacademy.com वालों की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, या आप हमसे, या आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, या हमें ईमेल कर सकते हैं xbacademy@ymail.com पे, या हमें ज्वाइन कर सकते हैं स्काइप पे, स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy। और सेम डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका भी हमारा आईडी सेम है XP Academy। डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। इस उम्मीद के साथ नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।